साथियों आपके चैनल मास्टर माइंड पे ये सीरीज है आरआरबी का। देखेंगे साथियों, पहला क्वेश्चन का रहा है ओ2 का उपयोग यानी कि ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन किस में होता है। तो साथियों याद कर लीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ओ2 का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट है, कह रहा है कॉयल की गति की दिशा, कॉयल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष कितना डिग्री होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है। साथियों याद कर लीजिएगा, 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री। नेक्स्ट है साथियों, प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक जाती है या झुकता है सामान की ओर और धीमा हो जाता है। इसको नोट, सामान की ओर और धीमा हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, कह रहा है 120 W के विद्युत लैंप का प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है। लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा की यूनिट्स गणना होगी। तो साथियों नोट कीजिएगा इसको, 0.96 यूनिट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या होगा, नोट कर लीजिएगा साथियों। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH2, CaOH2। आधुनिक जो आवर्त सारणी है कि किस समूह में हेलोजन रखा जाता है। आधुनिक जो है आवर्त सारणी कि किस समूह में हेलोजन रखा जाता है साथियों, तो नोट कीजिएगा इसको, 17वां जो समूह है उसमें रखा जाता है। एक पीछे जो क्वेश्चन छूट गया था उसको देख लेते हैं। कह रहा है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना है। साथियों याद कीजिएगा, 1/6 गुना है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पिछले वाला सीरीज में भी हम इसको करा है, इसमें भी आ चुका है साथियों, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, कह रहा है कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों तनों और पत्तियों से अलग नहीं है। कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों तनों और पत्तियों में अलग नहीं है। तो इसको याद रखिएगा साथियों, स्पाइरो गाइरा। इसको नोट कर लीजिएगा, स्पाइरो गाइरा। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, कह रहा है दो प्रतिरोधक, पहला है 10 ओम और दूसरा है 20 ओम, श्रृंखला में 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े हुए हैं। सर्किट में जो है विद्युत धारा कितना होगा। साथियों उसको नोट कर लीजिएगा, 0.2 एम्पियर होता है। कौन से यौगिक में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है। कौन से यौगिकों में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है। साथियों याद कीजिएगा उसको, बेकिंग सोडा। सर्वनीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है। इसको नोट कीजिएगा साथियों, इंफ्रास्रोनिक। इसको क्या कहा जाएगा, सर्वनीय रेंज से जो नीचे आवृत्ति होता है उसके साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है इंफ्रास्रोनिक। परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया। तो साथियों याद कीजिएगा, मोसली ने किया है। वह बिंदु जिस पर वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे गुरुत्वाकर्षण का हम लोग केंद्र कहते हैं। कह रहा है 5% से 8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है सिरका। यानी कि एसिटिक एसिड जिसका 5% से 8% रहेगा उसको क्या कहेंगे, सिरका कहेंगे। कौन सा जानवर मुकुलन द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन क्रियान्वित कर सकता है। तो साथियों याद कीजिएगा, हाइड्रा, हाइड्रा इसको बोलते हैं, हाइड्रा महोदय है। नेक्स्ट देखेंगे, विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक है। तो साथियों नोट कीजिएगा इसको, नाइट्रोजन गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है। कौन सा हार्मोन युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है। साथियों आप लोग युवा में है इसको नोट कीजिएगा, टेस्टोस्टेरोन नामक जो है हार्मोन है युवा में, युवावस्था में बदलाव लाता है। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसको नोट कर लीजिएगा साथियों, यह कहा जाएगा। कह रहा है महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 11 अगस्त 2016 को किस दिवस के मनाने के उद्देश्य से एक सोशल मीडिया अभियान शुरू किया, बेटी दिवस। याद रखिएगा साथियों, बेटी दिवस किरवा कुमा जो मिट्टी गाद का एक प्रकार है। किरवा कुमा जो मिट्टी
या गाद का एक प्रकार है, किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में। नोट कर लीजिएगा साथियों, अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछ भी सकता है नेक्स्ट आने वाले किसी भी एग्जाम में। देखेंगे के आर मीरा द्वारा लिखी गई पुस्तक, पुस्तक का नाम बताइए जो राजनीतिक में ईमानदारी और आदर्शवाद की कीमत चुकाने के विषय में प्रासंगिक सवाल उठाती है। द गास्पेल ऑफ यदास, द गास्पेल ऑफ यूदास, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट कह रहा है यदि उत्तर पूर्व उत्तर होगा तो पूरब क्या होगा साथियों, तो इसको नोट कर लीजिएगा, उत्तर पूर्व होगा। ऐसा क्वेश्चन आप बनाकर ही जाएंगे रेलवे में, अगर रेलवे का परीक्षा देने जा रहे हैं तो ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है साथियों, जो नया पैटर्न है उस पे। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, कह रहा है कौन से लेखक को उनके अंग्रेजी उपन्यास द ब्लैक हिल के लिए 2017 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ममंग दाई को, याद कर लीजिएगा साथियों, ममंग दाई को। 24 मार्च 2016 का कौन सा दिन था साथियों? ये भी कैलेंडर का क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीटेड कर रहा है, इसको भी आप लोग याद करके जाइए, बना करके जाइएगा, प्रैक्टिस करके जाइएगा एग्जाम में, नोट कर लीजिएगा, बनाइएगा तो आपको साथियों आएगा शुक्रवार। नेक्स्ट देखेंगे वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था साथियों? वाटरलू का युद्ध 1815 ईस्वी में लड़ा गया था। यदि दक्षिण, फिर आ गया वही रीजनिंग का क्वेश्चन, यदि दक्षिण दक्षिण पूर्व होगा तो उत्तर क्या होगा साथियों? तो उत्तर पश्चिम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यजुवेंद्र चहल किस खेल से संबंधित है साथियों? तो आप लोग सब जानते हैं यजुवेंद्र चहल साहब क्या है, क्रिकेटर है जो कि बॉलिंग करते हैं, तो क्रिकेट से संबंधित है। ये साथियों आरआरबी का सीरीज है जो विगत वर्षों में पूछा गया है लगातार डेली, लगभग आप 5 से 6 मिनट में मैं डेली एक सीरीज लेकर के आता हूँ, आप इसको समय निकाल करके 5-6 मिनट देख लीजिए, आपको बहुत फायदा करेगा आने आने आगे आने वाले एग्जाम सब में। फिर साथियों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए हमको साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।